2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी ने पूरे महीने की रूपरेखा घोषित कर दी है, वहीं कांग्रेस ने भी विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम और पानीपत में मिलन समारोह की घोषणा की है। इनके समानांतर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेजेपी ने भी अपने एक्टिव मोड को अपना लिया है। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जननायक जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर डिसाइडिंग पावर के तौर पर कायम रहने के लिए लगातार अपनी गतिविधि बढ़ा रही है। 7 दिन के दौरान दुष्यंत चौटाला गोहाना, जींद, उचाना, नरवाना, नारनौंद और हांसी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार एक्टिव रहे। इन विधानसभा क्षेत्रों में दुष्यंत चौटाला ने 100 से ज़्यादा कार्यक्रमों में शिरकत की। आप दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रमों की इन सभी फोटो और वीडियो को देखिए, आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि दुष्यंत चौटाला को सभी कार्यक्रमों में भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने, विरोधी पार्टियों ने और विरोधी नेताओं ने लगातार कमजोर होने के दावे किए हैं, आरोप लगाए हैं। लेकिन 7 विधानसभा क्षेत्रों के ये फोटो और वीडियो आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी अभी भी मजबूती के साथ मैदान में खड़ी है। दुष्यंत चौटाला को मिल रहा बड़ा जन समर्थन इस बात का सबूत है कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता और उनकी पार्टी की इम्पोर्टेंस प्रदेश की पॉलिटिक्स में 2024 में भी बेहद अहम रहने वाली है। दुष्यंत चौटाला ने 7 दिनों के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जहां लोगों के बीच में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए गतिविधियां शुरू की है, वहीं जनता के बीच में जाकर अपने विकास कार्यों और उपलब्धियों की चर्चा भी की है। गोहाना के अलावा दुष्यंत चौटाला के 6 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े समर्थक हैं। इन सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जननायक जनता पार्टी 2019 के चुनाव में जोरदार परफॉर्मेंस करके आई थी। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी दुष्यंत चौटाला इन विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीद रखते हैं। 10 सेटिंग MLA के अलावा दुष्यंत चौटाला लगभग 2 दर्जन और सीटों पर फोकस कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अब फील्ड में रहकर लगातार जनता के बीच में रहेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उनके साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पार्टी महासचिव दिग्विजय चौटाला भी आपको फील्ड में एक्टिव नजर आएंगे। यानी अगले 1 महीने में तीनों पिता पुत्रों की जोड़ी पूरे हरियाणा में सक्रिय नजर आएगी। दुष्यंत चौटाला बखूबी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी को अगर सियासी तौर पर मजबूत रहना है तो उन्हें सीटें भी जीतनी पड़ेंगी और 2024 की सरकार में हिस्सेदारी लेने के लिए उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखना होगा। 6 विधानसभा क्षेत्रों के दुष्यंत चौटाला के ये दौरे आपको बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी इन विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर नहीं पड़ी है, बल्कि जनता का लगाव अभी भी उनके साथ पूरी मजबूती के साथ बरकरार है। दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा, ये बखूबी जानते हैं। खुद दुष्यंत चौटाला ने अपने भाषणों में कहा है कि पहले कोविड और उसके बाद किसान आंदोलन के चलते वे फील्ड में जनता के साथ उतना समय नहीं बिता पाए जितना होना चाहिए था, लेकिन अब वे विकास कार्यों को लेकर फील्ड में हैं और जनता की समस्याओं को मौके पर निपटाकर यह बताने का साफ संदेश दे रहे हैं कि वे जनता के साथ जुड़े हुए हैं और 2024 के चुनाव में भी जननायक जनता पार्टी जनता का बड़ा जन समर्थन हासिल करने का पुरजोर प्रयास करेगी। दुष्यंत चौटाला ने जहां सोनीपत, रोहतक और गुड़गांव में जाकर अपनी पार्टी की गतिविधियों को नए सिरे से शुरू किया, वहीं शहरों में भी जननायक जनता पार्टी ने एंट्री मारने का काम किया है। फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी में जाकर दुष्यंत चौटाला ने लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने अपने गढ़ जींद जिले को भी संभालने का प्रयास किया है। ये भी कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला फिर से बांगर में एक्टिव हो गया है। बांगर की सरजमीन ने ही दुष्यंत चौटाला को 6 विधानसभा सीटें देने का काम किया था और इन्हीं विधानसभा सीटों पर 2024 में भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। दुष्यंत चौटाला को मिल रहा जन समर्थन विरोधी पार्टियों और विरोधी नेताओं को जरूर खलने का काम करेगा, क्योंकि जब तक दुष्यंत चौटाला कमजोर नहीं होंगे तब तक विरोधी पार्टियों के अरमान पूरे नहीं होंगे। क्योंकि कांग्रेस और नेहलो का मानना है कि अगर जननायक जनता पार्टी कमजोर होगी तभी उसका वोट बैंक उनके पाले में आएगा, लेकिन दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रमों में आ रही भारी भीड़ ने यह साफ बता दिया है कि जननायक जनता पार्टी को कमजोर समझना विरोधी पार्टियों और विरोधी नेताओं की बड़ी गलती रहेगी।
दुष्यंत चौटाला की ये बढ़ी हुई गतिविधियाँ लगातार आगे भी देखने को मिलेंगी और दुष्यंत चौटाला की मेहनत ही जेजेपी का भविष्य तय करने का काम करेगी, 2024 में पार्टी की सफलता का पैमाना तय करने का काम करेगी। दुष्यंत चौटाला की पार्टी की एक्टिविटीज, दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स और उनको मिल रहे जन समर्थन पर खरी खरी न्यूज़ की विशेष नज़र रहेगी। जेजेपी से जुड़ी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ से जुड़े रहिए। नमस्कार।